संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक खत्म होने के बाद अब इमरान खान और बाजवा एंड कंपनी एलओसी पर तहमत के खोके खोलने जा रही है। यानी तशरीफ में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, इसलिए 3 से 4 हजार फंटर लोगों की भीड़ को लेकर एलओसी पर घुमाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कश्मीर मुद्दे पर, इनके पिछवाड़े पर भारत ने जो कैक्टस के पौधे बांधे हैं, अब यह उन्हें छिपाकर छाती दिखाने एलओसी पर आए थे। पर भारत की बहादुर सेना बखूबी जानती है कि इनकी दाढ़ी में जो मेहंदी लगी है उसे हीरा मंडी और जानाबाई के कोठे से उधार में खरीदा गया है, इसलिए इधर कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। गनीमत यह रही कि पाकिस्तान की सीमा में ही तहमत लहराकर गधैया नर्तक करके चलते बने। यानी जिस इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा का दिमाग बिना चुम्बन प्रास के सुन हो चुका है, उन्हें अपनी बहादुरी दिखाने के ऐसे ही तरीके सूझ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने आज पीओके के स्थानीय लोगों को नियंत्रण रेखा तक मार्च निकालने के लिए कहा था। बड़ी साजिश की आशंका के मद्देनजर भारतीय सेना भी तैयार थी। भारत जानता है कि पाकिस्तानी नेता निहत्ते लोगों को भड़काकर उन्हें मानव ढाल के रूप में हथियार बनाना चाहते हैं, जिससे भारतीय सेना अगर इन्हें निशाना बनाती है तो मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया जा सके। इसके साथ ही उसकी प्लानिंग यह है कि बैठ की टीमों को एलओसी पार करवाकर वहां कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा सके। इससे यह भी पता लगता है कि पाकिस्तान की तैमन छाप कौम कितनी बुजदिल और निकम्मी है। इनकी हरकतों से स्पष्ट है कि यह 100% पान खाने वाले मुगलों की 25-30 रखेलों की औलादों में से एक है। पर मामला तो इससे कहीं बड़ा है। जिन पाकिस्तानियों के तैमंद पिछले एक साल से बिना साबुन के नहीं धुले हैं, वे भी बाजवा का पायजामा फाड़ रहे हैं कि भारत को सबक सिखाओ। पर बाजवा की समस्या यह है कि वे युद्ध में चले गए तो पाकिस्तान की फैक्ट्रियों को कौन चलाएगा। दरअसल पाक फौज युद्ध के लिए नहीं, यह मौज के लिए बनाई गई है। नहीं तो भारत से 4 युद्ध हारने के बाद इन्हें गैरत से कहीं डूब मरना चाहिए था। पर ये छाती पर मेडल लगाए ऐसे घूमते हैं मानो यह नेपोलियन के सेनापति रहे हैं। देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी पाक फौज द्वारा ही संचालित की जाती है। वर्ष 2016 में पाकिस्तान में सेना के पास 1,42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार था और 3 साल बाद यानी वर्ष 2019 में पाकिस्तान सेना का कारोबार 7 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। पाक सेना पाकिस्तान में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट खुद चलाती है। इसके लिए उसने अलग अलग 5 फाउंडेशन भी बनाए हैं। फौजी फाउंडेशन, साइन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज जैसी इन सभी संस्थाओं की कमान पाकिस्तान के सैन्य अफसरों के हाथ में है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की कुल जमीन का 12% सेना के पास है। इन जमीनों को वहां के सैन्य अफसर कौड़ियों के भाव खरीदते हैं, फिर बाजार दरों पर बेचकर करोड़ों के वारे न्यारे करते हैं। पाकिस्तान में सेना कई कंपनियां भी चलाती है जिनके ऊंचे पदों पर पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अधिकारी काबिज हैं। पाकिस्तान की सेना कॉर्नफ्लेक्स, अनाज, आटा, शहद, चॉकलेट और कस्टर्ड पाउडर तक बनाती है। कमाल की बात यह है कि यही सेना रेडीमेड खीर भी बनाती है। यह सीमेंट भी बेचते हैं और रोजगार कार्यालय भी चलाते हैं। अस्करी बैंक भी सेना संचालित करती है। यानी पाकिस्तान में सेना का खुद का पूरा एक सिस्टम है। मतलब इतना बड़ा तामझाम छोड़कर युद्ध करने वाला कोई बेवकूफ ही होगा। वैसे भी इन्होंने भारत से लड़ने की कोशिश जरूर की पर पिछवाड़े के जख्म आज भी हरे के हरे हैं। कोई भी एंटीबायोटिक उन्हें सुखा नहीं पाई। इस बुजदिल फौज में पिछले साल कुछ ऐसे फौज भी मिले जो किन्नर थे। यह पाकिस्तान की फौज में बड़ा खुलासा था। वैसे यहां सभी किन्नर हैं। मेडिकल जांच कराओ या नहीं, अगर किन्नर नहीं होते तो 3,000 तहमत वालों की भीड़ लेकर एलओसी पर क्या दिखाने आए थे। भारतीय सेना उनके तहमतों की गंदगी का वजन तोलने के लिए नहीं बल्कि ठोकने के लिए तैनात है। दुनिया का एकमात्र पाकिस्तानी ऐसा देश है जो अपनी जनता को आगे करके बुजदिल फौज को पीछे खड़ा करता है। यह फौज मरने से डरती है, लड़ाई के नाम से इनकी पतलूनें गीली हो जाती है। पाकिस्तान की सेना का काम बस यही रह गया है कि या तो ये फैक्ट्री चलाओ या फिर भारतीय सैनिकों से पिछवाड़ा तुड़वाओ। यह सेना इन्हीं 2 काम के लिए बनी है, तभी तो एलओसी पर निहत्ते भिखारियों से मार्च कराया गया है। वैसे भारत के थोड़ा और नजदीक आते तो अठन्नी चवन्नी मिल जाती, पर शायद इनकी किस्मत ही खोटी है। न पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई भीख दे रहा है और जनता वह तो खाली हाथ है।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।